गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दिव्या ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल फ्रेंड्स? अभी लेट ब्लॉग स्टार्ट किया बिकॉज आज सुबह बिल्कुल भी मतलब इतना हौच पौच था, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी थी क्योंकि 11 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ चीकू को स्कूल लेने, पर मेरे को कुछ और भी काम है, उसके लिए भी जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी निकल रही हूँ, वरना मैं 12:15 बजे तक निकलती हूँ चीकू को लेने के लिए। तो चलती हूँ फ्रेंड्स। और ये है मम्मी जो कि रास्ते में खड़ी हुई है, ये देखो ये ये दरवाजे पर खड़ी होके इस गांव को देखती रहती है जो बाहर खड़ी हुई है, रोज आती है। बढ़िया देख रहे हैं फ्रेंड्स मम्मी को, ऐसे ही बोलती रहती है, कह रही हाँ बढ़िया हो, सुंदर हो, जाओ। तो चलते हैं फ्रेंड्स चीकू लाने, और कुछ काम है वो भी करना है मुझे। चीकू लग की छुट्टी है, इनको लेके यहाँ खड़े हैं फ्रेंड्स, रिक्शे का वेट कर रही हूँ, यहाँ कोई रिक्शा नहीं मिलता जल्दी। इधर आओ, शिव मंदिर, शिव मंदिर, शिव मंदिर, चलो मिल गया। अब वही कह रहे हैं, शिव मंदिर अभी कह रहा था गणेश चौक ले जाऊँगा, फिर कह रहा शिव मंदिर, आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। ओ, एप्पल खा लिया था? हाँ। लंच पूरा छोड़ दिया क्यों? अच्छा तुमने रोज की आदत बना ली है, तुम लंच नहीं खाते हो। तुम्हारी बहन से बोलना पड़ेगा मुझे, तो वही खिलाएंगी, वही खिलाएंगी, डांट डांट डूट के किसी तरह खिलाएंगी तुम्हें, रेट वाले रूम में बंद करेंगी, या तो स्कूल में एक रेट वाला रूम भी होता है ना, होता है एक रेड रूम, उसमें जो बच्चे नहीं खाते उनको बंद कर दिया जाता है, बस उनका दिमाग सही हो जाता है। मैं खुद खाऊंगा, खुद खाऊंगा, खुद खाओगे, कल से फिनिश करोगे। मैं चीकू को लेके घर पे आ गई हूँ और उनका आज यहीं चेंज कर रही हूँ क्योंकि मेरे को हॉल की थोड़ी डस्टिंग करनी है। वो इस टाइम इसलिए कर रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि जो यहाँ झाड़ू पोछा करने वाली आती है ना, वो इसी टाइम आती हैं, एक से डेढ़ के बीच में आती हैं, तो अभी वो आने वाली होंगी, तो मैंने सोचा पहले फटाफट कर दूं फिर ही ऊपर जाऊं, नहीं तो फिर रह जाता है। सुबह के टाइम हो नहीं पाता है, सुबह के टाइम इतना ज़्यादा मतलब लंच और नाश्ते वगैरह में इनको स्कूल भेजना फिर लाना, उसी में इतना टाइम हो जाता है कि फिर मेरे को क्लीनिंग के टाइम नहीं मिलता, और फिर करने का फ़ायदा भी नहीं होता क्योंकि वो जो झाड़ू पोछा करने वाली होती है ना, वो इसी टाइम आती है मेरी, तो फिर मैंने सोचा अब इसी टाइम फटाफट उसके आने से पहले कर दूं, जिससे अच्छे से झाड़ू भी लग जाएगा और पोछा भी लग जाएगा। बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी हॉल में चारों तरफ, तो बस थोड़ी सी मैं डस्टिंग कर रही हूँ हॉल की।
मैंने सारा डस्टिंग कर दिया अच्छे से, ये देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक सारा डस्टिंग कर दिया अच्छे से। और अब चल रही हूँ ऊपर, चीकू को और ईशू को कुछ खाना दे दूँ। बाहर का गेट कैसे खुला है, मम्मी बाहर गई है क्या? डस्टिंग मैंने कर दी है फ्रेंड्स, अब झाड़ू पोछा अभी काम वाली आएगी वो करेगी। इस टाइम वो इसी मतलब 1 से 2 के बीच में वो आती है, क्योंकि उसके पास भी छोटा बच्चा है ना, तो उसको स्कूल से रिसीव करके फिर घर पे छोड़ के फिर आती है वहाँ यहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह के लिए। हेलो गाइस, अभी देखिए शाम के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग जा रहे हैं पार्क। ये है मेरे पीछे स्वाति और गुनगुन चल रही है आगे, मिशन पे हैं हम लोग। एक मिशन पूरा कर उसी मिशन के तहत हम लोग जा रहे हैं पार। तो फ्रेंड्स हम पार्क आ चुके हैं और ये देखिए ये आंटी है पार्क के बाहर, ये भुट्टा बनाती है। ये देखिए हाँ हम लोग पार्क आ गए। अब हम लोग यहाँ चलते रहेंगे लगातार 1 घंटे। तो ये हम पार्क आ चुके हैं फ्रेंड्स, देखिए सब लोग यहाँ वॉक कर रहे हैं। इस आयुष में ना टूटा हुआ है बीच में, वो तो उधर जा रही है, जाओ तुम उधर से करो, कह रही थी आ जाओ। तो यहाँ पंडित जी कथा भी कहते हैं, रामचरित मानस की कथा। शाम को कष्ट में है सारे मूर्ख व्यक्ति गद्दी पा लिया है, ये कहता है मेरे रिटायर्ड लोग यहाँ बैठ के अब राजा का ये नहीं मानोगे तो फांसी में भी लटक सकते हो रोज शाम को। और अब बड़ा पार्क में देखिए योगा भी करते हैं लोग। यहाँ पे पार्क में योगा भी होता है, देखिए कुछ लेडीज योगा भी कर रही हैं यहाँ पे। यहाँ कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं। ये स्वाति जा रही है आगे आगे, देखिए यहाँ वॉक कर रहे हैं। हम तीनों यहाँ बैठ चुके हैं, ये देखिए मैं और स्वाति थक के चूर हो गए, ये तो गुनगुन है, ये तो बस 2-3 राउंड मार के बैठ गई। राउंड लगाए हैं थक के, बिल्कुल पैर जवाब दे रहे हैं हमारे, बैठे हैं थोड़ी देर, इसके बाद चलेंगे घर। ये देखिए एकदम शाम हो गई है, शाम हो चुकी है एकदम, फिर टाइम हो रहा है 7:00 होने वाले हैं। मुँह भी लाल लाल हो गया है, चिंगम खा रही हैं, मज़े कर रही हैं ज़िंदगी के। अब लोग भैया मोटे हैं, ये इतनी मोटी है नहीं तो इसका फायदा उठाती है लड़की, इतना मोटी नहीं हम लोग थोड़े मोटे हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्या करें। पर कितनी मेहनत करें पतले नहीं होते, पता नहीं क्यों है। आई होप फ्रेंड्स आपने मेरा ब्लॉग आज का एंजॉय किया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा है।
चलिए आपसे नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।